प्रकाश जावड़ेकर जी 4 दशक से ज्यादा की राजनीति में ये सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, कभी भी इन्होंने राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र जीवन में इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। 10 साल बैंक की नौकरी की, आम आदमी की तरह जीवन जिया और उसके बाद प्लानिंग बोर्ड के महाराष्ट्र में चेयरमैन भी बने और अब भारत सरकार के मंत्री बने हैं। सोमवार की शाम को इन्होंने नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ग्रहण की है। बातचीत करेंगे प्रकाश जावड़ेकर जी से। प्रकाश साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई भारत के मंत्री बनने पर। देश की जनता का आपको सेवा करने का मौका मिला है, नरेंद्र मोदी जी ने मौका दिया है, किस तरह देखते हैं इस मौके को? निश्चित एक ऐतिहासिक घड़ी है, क्योंकि जनता ने एक ऐतिहासिक जनादेश दिया है। ये दिया है सुशासन के लिए। लोग तंग आ चुके थे भ्रष्टाचार से, लूट से, लोग तंग आ चुके थे महंगाई बेरोजगारी से, आर्थिक गति जो हालात स्थिति बनी उससे, और इसलिए इससे निजात चाहिए, एक नया वर्क कल्चर चाहिए। इस देश में क्या कमी है? भरपूर प्राकृतिक संपदा है, भरपूर अनेक प्रकार की मानव की ह्यूमन रिसोर्सेज जो बोलते हैं वो भी बहुत है। तो इसको अच्छा, सबको अच्छे दिन आने अगर है तो उसके लिए सबको काम करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि मोदी जी ने इसी दृष्टि से एक कैबिनेट बनाया है और इसमें हमें अवसर मिला है। जो अपेक्षा है जनता की होगी, जो अपेक्षा है हमारे नेता की है, जो हमारी अपेक्षा हमारी पार्टी की है, हम तीनों दिशा के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप लोगों ने नारा दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, आपके इस नारे पे जनता ने भरोसा जताया और आपको प्रचंड बहुमत दिया, तो आखिर यह तो मानेंगे आपकी आपकी जवाबदेही भी काफी ज्यादा है? बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। सरकार ऐसी कैसी चलेगी कि जिस पर लोगों की नजर न हो? नजर होनी चाहिए और हम बिल्कुल उस पर खड़े उतरेंगे, क्योंकि हम काम करना चाहते, इस देश में रोजगार का चक्र शुरू करना है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ानी है और उससे ही आर्थिक समृद्धि का रास्ता खुलता है, और रोजगार के सहारे लोगों को खड़ा करना है, न कि डोल पर, सरकार की मदद पर केवल निर्भर न रहे आदमी। मदद जरूर मिले, लेकिन मदद के बिना भी वो अच्छी तरह से स्वयं सक्षमता से खड़ा हो, ये हमारी फिलॉसफी है और इसलिए हम काम करेंगे। अंत्योदय की भावना है, गरीब दलित शोषित पीड़ित वंचित जो भी है उनके लिए काम करेंगे, और हर आदमी को एक लगे कि हमारे अच्छे दिन आए हैं, शुरुआत हुई है, तो वो हम जरूर करेंगे। क्या यह माना जाए कि एक और मंत्री परिषद का विस्तार फिर कभी देखने को मिल सकता है? निश्चित है, अधिवेशन के बाद या जैसे प्रधानमंत्री उचित समझेंगे निश्चित रूप से विस्तार एक होगा, क्योंकि अभी तो 44-45 मंत्री 46 मंत्री हुए हैं, अब और भी मंत्री होंगे तो एक और विस्तार निश्चित होगा। एक और बड़ा सवाल कि आपकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? बड़ी प्राथमिकता है कि एक महंगाई को लगाम लगाना, दूसरे आर्थिक जो ठप सी हो गई थी स्थिति उसको शुरू करना, और वो करेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत वही है और उसको हम निश्चित चालना ये देंगे गति। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत के लिए। तो ये थे भारत सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, जिन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर उनकी सरकार पर काफी चुनौतियां हैं, जन आकांक्षाएं काफी बड़ी हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश होगी और नरेंद्र मोदी जी की भी पूरी कोशिश होगी कि देश की जन आकांक्षाओं पर खरा उतरे। कैमरामैन OMG सुरेंद्र के साथ मनोज बेवाल, आकाश DD न्यूज दिल्ली।